नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के एक होटल के सभागार में खेलकूद और क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आज स्पोर्ट मैगजीन का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण में मंडल के कमिश्नर और डीआईजी मौके पर पहुंचे और मैगजीन का विमोचन भी किया। इस अवसर पर उपस्थित रहे अखिलेश मिश्रा गुड्डू, सब रजिस्ट्रार सौरभ राय और एसके सत्यन सहित जिले के सम्मानित नागरिक भी मौजूद रहे। वहीं स्पोर्ट में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर आजमगढ़ जिले के नेशनल खिलाड़ी रहे और गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों का भी सम्मान किया गया। वहीं जिले का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। बता दें कि डीआईजी आजमगढ़ मंडल सुभाष चंद दुबे द्वारा पुलिस लाइन में बैडमिंटन कोर्ट का भव्य रूप से निर्माण कराया जा रहा है, जिससे पुलिस विभाग में भी खेलकूद को बढ़ावा मिल सकेगा। मौके पर मौजूद कमिश्नर आजमगढ़ मंडल ने बातचीत में कहा कि डीआईजी आजमगढ़ ने खिलाड़ियों को आउट ऑफ वे जाकर बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी उत्साह से लबरेज होते हैं, खिलाड़ी हमेशा समाज और देश की बेहतरी का काम करता है। तो वहीं डीआईजी आजमगढ़ मंडल सुभाष चंद दुबे ने कहा कि खेलकूद हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है, स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। उन्होंने कहा कि जो फिट होगा वही हिट होगा। आइए आपको सीधे मौके पर लेकर चलते हैं और देखते हैं मंडल के दो टॉप क्लास के अधिकारियों ने क्या कहा। खेलकूद हमारे जीवन में एक बहुत अपरिहार्य महत्व रखता है। माना जाता है कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है और हम सभी को न केवल मानसिक रूप से अपितु शारीरिक रूप से भी पूरी तरह से फिट होना चाहिए, क्योंकि एक सामान्य सा फार्मूला है, जो फिट होगा वही हिट होगा। और हमारे देश में भी इस प्रकार का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा खेलो इंडिया चलाया जा रहा है। मैं कहूँगा कि इस प्रकार की एक्टिविटीज से निश्चित रूप से जो स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं, बच्चे हैं, वो मोटिवेट होंगे और उनको ज़्यादा अवसर प्रोवाइड होंगे आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो ग्रामीण स्तर पर जिनकी प्रतिभाएँ दबी रह जाती हैं, इस प्रकार के कार्यक्रमों से और इस प्रकार के प्लेटफॉर्म से उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ये स्टेडियम तो जो काम जिलाधिकारी के स्तर पर था उन्होंने पूरा करा दिया है। स्टेडियम आज के डेट में अप टू डेट है। पुलिस लाइन में जरूर बैडमिंटन कोर्ट जो सीमेंटेड है, हम लोगों का प्रयास है, हम लोग बात कर रहे हैं उसको भी वुडन कोर्ट में कन्वर्ट कराते हुए, और जो अभी उसकी छत है जो जीर्ण शीर्ण है उसको नई छत लगवाने के लिए। निश्चित रूप से स्पोर्ट एक्टिविटीज को देखते हुए हमें विश्वास है कि बहुत जल्द ही हम लोग इस कार्य में सफल होंगे और ये आगे के लिए पुलिस यूनिट के लिए भी और जनपद के अन्य स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी। ये बहुत अच्छा है, ऐसा होते रहना चाहिए और खेल को बढ़ावा मिलते रहना चाहिए। खेल स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो और प्रोफेशनल भी कुछ लोग खेल को बढ़ाएं तो अच्छा है। कार्य के तो कार्य अपने पेस से हो रहा है, कार्य तो डीआईजी साहब करा रहे हैं, वहाँ पे आउट ऑफ द वे जाके अब एक बनवा रहे हैं, ये तो रूटीन वर्क है, तो रूटीन वर्क चल रहे हैं, छोटे मोटे काम होते जा रहे हैं। आप वहाँ पे एक नया बेडी कोर्ट को वहाँ पे बनवाने जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी जो अपने स्तर से कर सकते हैं अपने स्तर से करें। खिलाड़ी तो हमेशा उत्साहित रहते हैं, कभी डाउन होते ही नहीं है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलते रहते हैं, जीत में जो है वो और जीत में थोड़ा प्रसन्न होते हैं और जब हारते हैं तो फिर उस हार से सीख लेके और आगे बढ़ते हैं। और खिलाड़ी अपना खिलाड़ी जो है अपना जो ये खेलपन होता है जिसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं, वो खेल में ही नहीं, वो और जगह भी, चाहे वो उनका कोई और काम हो उसमें भी उसी बात को रखते हैं। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।